ये दिल्ली की आज की तस्वीर है। आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के आसमान में जहरीला धुआं छाया हुआ है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेना दूभर होता जा रहा है। स्मॉग की जो चादर थी दिल्ली में वो कम हुई थी, लेकिन आज अचानक से जो स्मॉग की चादर है वो बढ़ी हुई है। हम जबकि दूसरी तरफ अगर आपको दूसरा साइड दिखाने की कोशिश करते हैं, हम आपको अब यहां से इंडिया गेट दिखाने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ अगर देखें तो यहां से जो इंडिया गेट है, कल ही मैं मौजूद था, यहां से इंडिया गेट धुंधला ही सही लेकिन दिखाई दे रहा था, लेकिन अगर आप यहां से अगर देखें तो इंडिया गेट बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, यानी विजिबिलिटी की बात करें तो वो काफी कम है आज दिल्ली में। दिवाली के बाद से लगातार दिल्ली और इससे सटे इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को प्रदूषण पर आज आपात बैठक करने का फरमान सुनाया है। सीजेआई ने कहा कि हम केंद्र सरकार को आदेश देते हैं कि वो मंगलवार को आपातकालीन बैठक बुलाए, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के मुख्य सचिवों को मौजूद रहना जरूरी होगा। कोर्ट ने गैर जरूरी निर्माण, परिवहन, ऊर्जा संयंत्रों पर रोक लगाने और कर्मचारियों को घर से काम करने देने जैसे कदमों पर आज फैसला लेने का निर्देश भी दिया है। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब सरकार से भी कहा कि वो ये तय करें कि अगले दो हफ्ते तक किसान पराली न जलाए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब कल होगी। दिल्ली सरकार पंजाब हरियाणा में जलने वाली पराली को प्रदूषण का बड़ा कसूरवार ठहराती रही है। दावे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर की हवा को जहरीला बनाने में पराली का 40% योगदान है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सॉलिसिटर जनरल ने इसे महज 10% बताया, जिसके बाद प्रदूषण पर सियासत गर्म आ गई। अकाली दल ने इसके लिए केजरीवाल से माफी की मांग कर दी है। अपना काम करना नहीं सारी उम्र ते झूठे दोष ला के दूजे नु ते अपना काम सारी जन। इस करके मैं समझदा कि अज पूरी तरह दे नाल केजरीवाल जिहड़ा उस सुप्रीम कोर्ट दे विच एक्सपोज हो गया ते नलायक साबित होया। मैं कह सकदा कि 4% पोल्यूशन वाले नु बदनाम करी जाणा ते जिहड़ी 96% पोल्यूशन है उहदे ते कोई स्टेप ना। पराली का कंट्रीब्यूशन था, ये सफर का डेटा है, वो कितना सही है कितना नहीं सही है, केंद्र सरकार ने जो हलफनामा जारी किया है उसका बेस क्या है, किस महीने का है, किस समय का है, वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन अभी तक जो सफर का जो डेटा पब्लिकली डेली जारी होता है उसके अनुसार तो पिछले 10 दिन में पराली का एक कंट्रीब्यूशन 48% तक उन्होंने हाईएस्ट जारी किया। देश की राजधानी दिल्ली लगातार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रही है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले 3 करोड़ से ज्यादा लोग जहरीली हवा में जीने को मजबूर हैं। पंकज जैन और अनिशा माथुर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।